Okay, so कॉलेज में मेरी जो सैटरडे को विजिट थी ना वो थोड़ी सी अलग थी क्योंकि एक्साइटेड है तू? Yes, actually guys, zoom करना? Zoom है। गिर मत जी नाली में। बोल। पेड़ आ रहा रास्ते में। नहीं आ रहा। Actually guys, मैं कॉलेज आया था। रुक जा। Actually guys, मैं मम्मी को कॉलेज लेके आया था। मम्मी और मैम ने बुलाया था, कुछ मेरी कंप्लेंट होने वाली, वेरी सीरियस। तो अभी मैं खुश होकर जा रहा हूँ, आते हुए देखना रोता हुआ आऊंगा। गाइस आंटी को समझा दिया ना क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? नहीं तो उनको पता ही नहीं क्या हुआ है। बात बता दी है, समझा दी ना। अरे क्या समझा दिया? मम्मी से बोल रहे एक डायलॉग की मम्मी बोलेगी टीचर से कि बेटा है इस उम्र में नहीं करेगा तो कब करेगा। बस मेरे पापा ने ऐसा ही संभाला था कजन को। जैसे मैं अपनी मम्मी को अपनी मेंटर से मिलाता हूँ उसके बाद मुझे खबर मिलती है कि मुझे हमारी जो एचओडी है उनसे भी मिलवाना है क्योंकि कुछ कंप्लेंट ज्यादा ही सीरियस हो गई थी। मैम ने बोला है कि दूसरे रूम में जाना है बाला मैम से मिलाने के लिए। मम्मी का रिएक्शन तो फिर मुझे फिर मैं मम्मी को उनके पास लेके गया। गाइस ये खड़ा हुआ है बाला मैम के रूम के बाहर, इसको आज पड़ेगी डांट। हाय जेजी, व्हाट्सअप, कैसा लग रहा है? अभी बाला मैम से मिलने यही देख रही है, मैं नहीं देख रही है तो मुझे मेरे को थोड़ा देखेगी। तो आप तो सोच रहे मैं ऐसे बीच में आके क्यों आपको स्टोरी सुना रहा हूँ पूरे ब्लॉग की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लॉग शूट करी थी मिलन, एंड थैंक यू सो मच मिलन जो तूने मेरी हेल्प की है। तो मिलन को लगा कि वो काफी चीजें रिकॉर्ड कर रही है, बट ऐसा नहीं था, मैडम रिकॉर्ड का बटन ही दबाना भूल गई थी, तो काफी बातें रही गई। गाइस बालाम से मिलना है इसे अभी 5 मिनट में, जैसे जाने चल बाय। मम्मी को बुला। मेरे सारे दोस्त कह रहे थे, सब रिएक्शन था मेरा, सब रह गया। फिर या ऐसे ही था, फिर हाँ मम्मी से मिलाते, मम्मी का भी रिएक्शन लेते। गाइस अभी ना भैया ने बोला था, तब भी तुम्हारे घर से कोई आया ना मुझे बताना, मैं मेरी तरफ से चाय मिलेगी ना। हैदर ने क्या बोला था? क्या अभी कि भाई अगर वो बता देंगे तो सब अपने नकली उम्मे कॉपी लेके जाएंगे। इस वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है, बस अब मम्मी का रिएक्शन ले लेते हैं। हेलो कैसा था कॉलेज, फटाफट बता दो। बताऊं अभी मैं कैसा था कॉलेज? कॉलेज तो अच्छा था, तू अपना बता। ठीक है, तो ज्यादा कंप्लेंट सुनने को मिल गई, काफी ठीक है, कोई नहीं। कैसे गाइस मेरी मम्मी, हाय, फर्स्ट टाइम आपका ऐसे डेब्यू है, सो डेब्यू मुझे ऐसा डेब्यू नहीं चाहिए तेरे कॉलेज में मुझे। चलो मुझे ऐसा डेब्यू चाहिए था कि मुझे कुछ रिस्पेक्ट के लिए बुलाया जाता है कुछ, पर दोस्तों ने रिस्पेक्ट करी ना, जितने लोग जानते थे। दोस्त भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे क्या? नहीं मतलब करेंगे, बट स्टिल यू नो आपको एक ऐसा फील हो रहा है कि सुपरस्टार की मम्मी कॉलेज। ऐसा कहीं से कोई फील हो रहा मुझे, ठीक है, पर ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा, कॉलेज बहुत अच्छा है, हाँ, और तेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। हम सब खड़े हुए थे, ठीक है, और हम बैठे, आंटी भी बैठी हुई, ये खड़ा हुआ था। तो मैंने और हैदर ने ऐसे बोला आ जाओ बैठ जाओ, आंटी ने बोला बैठ जाओ, मैं नहीं मम्मा नहीं, फिर आंटी ने खुद ही बोला ये बैठेगा कि नहीं तो लेटेगा। समझ गई कॉन्टेक्स्ट। एक्चुअली गाइस कल क्या हुआ था, कल एक बहुत एक कांड सा हो गया था, तो मैं सुहानी फंस गए थे, तो समझ जाओ क्या आके इस बात पे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि लेटे हुए थे। अब तुम कुछ भी सोच लो, वर्स टू वर्स, इतना कुछ नहीं वाला, टेंशन मत कर, मेरी बहन जैसी है तू। शक्ल में ना चिल, रिलैक्स। Nadando me hace feliz, pero a ti falta yo juego con mi lambo y se mire tu lava.